आपका जो पेपर लेफ्ट हुआ है उसका हम सब लोगों को नीचे आ जाओ बच्चों, जिसको भी पता है कि एक बच्चों को उसके माँ बाप कैसे पढ़ाते हैं, कैसे यहाँ पर भेजते हैं, एक बच्चे के आने जाने में 5 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। और ये बात मैं भी साहब की जो स्टेजेस से गुजरा हूँ, हम भी कई बार प्लॉट फॉर्म पर सोते थे, सुबह पेपर देते थे, जब रिजेक्ट हो जाता बड़ा दुख होता था। तो मुझको आपके साथ सिंपैथी है और पूरा सिंपैथी है कि आपके साथ ये बहुत गलत हुआ, लेकिन जो हो गया उसको मैं नहीं रोक सकता। लेकिन आपके लिए मैंने वहाँ इनके जो इनकी अथॉरिटी है, जो इनके अफसर है, उनसे बात करी है, जो टीचिंग टेस्ट कंपनी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसमें से बात करी है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो ये जो एग्ज़ाम है इसको हम कैंसिल करते हैं और तुम्हारा एग्ज़ाम सब से कराएंगे। पहले सुन लो मेरी बात, ये जो एग्ज़ाम है ये किसी भी बच्चे की नहीं है, सारी एग्ज़ाम कैंसिल होगी, जिस सेंटर पे होगी वो भी एग्ज़ाम कैंसिल होगी, ठीक है। आप सब बच्चों की दोबारा आपको मौका दिया जाएगा और बेहतर तरीके से आपके एग्ज़ाम कराई जाएगी, दूसरे सेंटर भी कैंसिल होगा, ठीक है। अभी तक ये जो मुझे पता चला है कि सारी एग्ज़ाम, ठीक है। अभी जो आपने आरोप लगाया कि स्कूल का मैनेजमेंट ठीक नहीं था, यहाँ जो एग्ज़ाम कराने वाले जो कंडक्ट करा रहे हैं उन्होंने ना सचिन स्कूल दी, सुनो तो बताया गया है, मुझे 5 बातें बताई गई हैं कि किसी ने सचिन प्रीसिंग नहीं ली, लोग मोबाइल अंदर लेके जा रहे थे, वहाँ पर बायोमेट्रिक भी नहीं हुई थी, कंप्यूटर भी पूरे नहीं थे, जितने कैंडिडेट थे उतने कंप्यूटर नहीं थे, ठीक है। और ये फोटो में बाहर आ गई, जो मैनेजमेंट था वहाँ बैठने का सिस्टम भी ठीक नहीं था, कोई कहीं भी जाके बैठ रहा था, किसी ने उनको नहीं बताया। तो ये जो बातें हैं ये इन्वेस्टिगेशन क्या है और इसमें एक एक्शन बनता है, वो एक्शन मैं लेने को तैयार हूँ।